जहां एक ओर सरकार देश को साफ स्वच्छ रखने के वायदे करती है, वहीं ऐसा ही एक मामला दुगनेड़ी गांव का है जहां पर स्वच्छता अभियान का कोई नामो निशान ही नहीं है। दुगनेड़ी गांव के लोगों ने जहां अपने पशुओं को चराने के लिए चारगाह बनाई है, वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है और लोगों ने काफी गंदगी फैलाई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में बदबू ही बदबू फैल गई है, आना जाना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को लेकर दुगनेड़ी गांव की महिला मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर को इस समस्या का निपटारा करने के बारे में ज्ञापन सौंपा है। जहां एक ओर सरकार देश को साफ व स्वच्छ रखने के वायदे करती है, वहीं ऐसा एक मामला दुगनेड़ी गांव का है जहां पर स्वच्छता अभियान का कोई नामो निशान नहीं है। दुगनेड़ी गांव के लोगों ने जहां अपने पशुओं को चराते हैं, वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है और लोगों ने काफी गंदगी फैलाई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में बदबू ही बदबू फैल गई है, आना जाना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को लेकर दुगनेड़ी गांव की महिला मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर को इस समस्या का निपटारा करने के बारे में ज्ञापन सौंपा। वहीं गांव की महिला ने बताया कि जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है, उस जगह पर आवारा कुत्ते और बंदर घूमते रहते हैं, जिन्होंने कई बार कुछ बच्चों को भी काटा है, लेकिन लोग फिर भी वहां पर गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते इस समस्या के निपटारे के लिए उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, हम दुगनेड़ गांव से महिला मंडल से आए हुए हैं। हम उपायुक्त से हमारी समस्या के बारे में मिलने आए थे, तो हमने यहाँ पे जो हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कूड़ा संयंत्र बना हुआ है, उसके बारे में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उसमें हमने अपनी समस्याएं लिखी हुई हैं और उनके बारे में उनको अवगत करवाया। वो समस्या हमारी में लिखते थी, जैसे कि कौवा से हमारी भैंसों को नोच रहे हैं, उसको हमारी भैंसों को उनसे खतरा है, और हमारी बंदर बहुत ज़्यादा हैं, आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, उनसे भी हमारे बच्चों को पशुओं को सबको खतरा है। वहीं नीता शास्त्री का कहना है कि 3-4 गांव तक इस गंदे कूड़े की बदबू फैली रहती है, जिससे कि बीमारियां होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का निपटारा जल्द से जल्द नहीं किया गया तो गांव का सारा महिला मंडल एनजीटी के पास जाएगा। हमारा ये था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इनका वो पूरा लगा हुआ है प्रोजेक्ट जो है, उसको उसके बारे में हमने डीसी साहब से बात कर ली है, तो डीसी साहब ने हमें बोला कि मैं अभी इस पे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो है हमें प्रॉब्लम मेन ये है कि एक तो वो कूड़ा हमारे घरों के पास तक आता है, कौवे हमारे घरों तक लेके आते हैं, आवारा कुत्ते वहाँ पे हैं, बंदर वहाँ पे हैं, मक्खियों की भिनभिनाहट से तो 2-3 गांव अच्छी तरह से महक रहे हैं। तो मेन तो ये है कि इसको सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारी ग्रास लैंड के ऊपर है। अगर हमारी ग्रास लैंड ही मेन लोगों का जो है, हमारे गांव के कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 कनाल जमीन भी नहीं है पूरी, और हमारा गांव टोटली जो है लोग जो हैं वो दूध लेके सुबह यहाँ आते हैं, शहर में दूध देते हैं, लेकिन उन लोगों वो लोग घास कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि 15 कनाल जमीन से ऊपर तो उन्होंने कब्जा ज़्यादा से ऊपर ही कब्जा कर लिया हुआ है उन्होंने। तो हमारा ये है, अभी भी मैंने डीसी साहब से यही बात की कि जो हमारे किसान हैं, जो दूध बेचने वाले हैं, कम से कम जो ग्रासलैंड के ऊपर ही टोटल निर्भर है, तो कम से कम उनको तो उनके बारे में तो सोचा जाए कि वो तो, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है, जो हमारे भी काफ़ी बुजुर्ग थे, उन्होंने भी वो आपस में ग्रासलैंड जो है वो डिवाइड करी हुई थी, इतनी इस परिवार के पास है, इतनी इस परिवार के पास है, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम जो है वो सॉलिड वेस्ट प्लांट में ले ली है इन्होंने। तो कम से कम तुम लोग हमें तो ये तो बताओ भी, जो हमारे गरीब हैं जिनके पास 2 खेत भी नहीं है, और डीसी साहब बोल रहे हैं कि 4-4 भैंसे पालो जी, 5-5 भैंसे पालो, कहाँ से पालेंगे हमारे किसान जो हैं। बातें करने को तो आप जितनी मर्जी ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली बातें कर लो, लेकिन जब हकीकत में जाओगे, आप डेप्थ में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे किसान कैसे गुजारा करते हैं। तो मेन जो है कि हम तो ये बोलेंगे कि ग्रास लैंड है, हमारी ग्रास लैंड को हमें वापस कर दो, बाकी जो जैसे मर्जी करो इसको। ये पहले भी ऑलरेडी कहीं शिफ्ट हो चुका था, कहीं और के इसके वो था शायद सस्तर नाम जगह है ऊपर दड़ुई मटाणी के पास, वहाँ शिफ्ट हो चुका था। हमें भी ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली बात पता चली है कि ये जो है वो शिफ्ट वहीं के लिए परमिशन थी इसकी, लेकिन इन्होंने और कुछ लोग ऐसे मिले बीच में जिन्होंने लाके वहीं पे कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, हम तो जाएंगे एनजीटी में,
क्योंकि मेन जो है बंदे जो हैं जो काम कर रहे हैं, मेन लोग जो हैं कुछ एक लोग जो हैं बच्चे हमारे जो हैं वो बॉर्डर पे हैं, कुछ लोग जो है वो प्राइवेट जॉब में हैं। अब लेडीज़ घर में काम करती हैं, लेडीज़ वो सारा करती हैं, उसके लिए हम लोग जो है अब वकील की फीस तो वैसे तो हम ये सोच रहे हैं, पहले तो सोचा था कि हम हाई कोर्ट में सीधा डाल देंगे, लेकिन अब जो है अब हमारे दिमाग में ये है कि हम लोग पैसा नहीं लगा पाएंगे इतना, हम NGT के थ्रू जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ना, यहीं से एक खड्ड शुरू होती है जिसका पानी गुना खड्ड है, वो सारा पानी जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है तो वो अगर नीचे ब्यास तक आप चले जाओ तो ज़्यादा नहीं तो कोई 500-700 गाँव हैं जिन गाँवों को जो है वो उसी खड्ड का पानी गंदा पानी पी रही हैं, क्योंकि वो क्योंकि 50 स्कीम उसके ऊपर ही है वो जो भी है, तो कम से कम इस चीज़ का तो इनको समाधान देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर तो हम NGT में जाएंगे, NGT के लिए हम वकील कर लेंगे, वो जो भी है जो उसकी फीस होगी वो उतना कर सकते हैं।